तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो तुम? तो आज तुम्हें यहाँ पर मिलने वाली है, नेक्स्ट टू क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सी सीरीज के अंदर से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? फ्रॉम बीटा एंड गामा फंक्शन एनालिसिस के अंदर से, और आई बटन के अंदर ऊपर है ना, तुम्हें पुराना लेक्चर मिल जाएगा, उसे वॉच कर कर आना, तभी तुम्हें यहाँ पर लिंक मिलेगा। अब लिंक नहीं कि तुम्हारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम एक सीरीज के अंदर चल रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी आसान रहेगा ऐसा मानकर चलना होता है आपको, ठीक है? बस बिना रुक के तुम्हें इस वीडियो को देखना है, और 20 मिनट के बाद आपका ऐसा क्लियरेंस होगा कि आपको 100% नहीं, 110% इसका जो रहेगा रिजल्ट ना, कि ये कैसे हर एक पॉइंट यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके क्रैमिंग करें, हम कोई भी स्टेप करेंगे यहाँ पर, तो उसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होगा आपके लिए। हमें प्रूव करना है आज के लिए कि हमारा जो बीटा एम एन फंक्शन है वो इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 2n-1 और कॉस की पावर 2n-1 थीटा। तो ये हमारा रिजल्ट है जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। और कैसे करना है एग्जाम के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मान लीजिए तुमने कभी इसको स्टडी नहीं करा हो तो फिर कैसे करोगे। हमें पता है कि बीटा, देखो पहले आपको प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बीटा ऑफ एम एन 2 टाइम्स 0 से लेकर आपका पाई बाई टू तक जाना है आपने, और यहाँ पर साइन की पावर 2m-1 थीटा और साथ में कॉस की पावर हमारे पास 2m-1 d थीटा। तो आई थिंक ऐसा कुछ रिजल्ट है जो हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो जब भी तुम इसे प्रूफ करना चाहोगे तो स्टार्टिंग के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन तो हम प्रूफ करेंगे ना, तो हमें जो भी चीज़ नॉलेज पता है हम उसको ही अप्लाई करेंगे। तो मेरे को क्या पता वो लिख दो एग्जाम के अंदर कि मुझे को पता है कि बीटा में मेरा 0 से लेकर 1 होता है, सर ने बताया था, ठीक है? और ये हमारे पास होता था एक्स की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx, ये हमें पता है इतना सिर्फ। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र तुम कैसे करोगे वो चीज़ है, जहाँ पर सब्सटीट्यूशन होगी नो डाउट, लेकिन वो सब्सटीट्यूशन हम क्रैम करने वाले हैं या फिर उसको समझेंगे। और समझना है तो किस अंदाज में समझेंगे, कि एक ऐसी डाउट मतलब एक ऐसे अंदाज के अंदर कि सारे के सारे मतलब जो इसके पीछे लॉजिक है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है कि सर मैं भूल जाऊँगा, वो चीज़ रखनी नहीं हमें। तो सबसे पहले देखो, आपको जहाँ से जो सिंपल अल्जेब्रिक फंक्शन है वहाँ से लेकर आपको ट्रिग्नोमेट्री तक का सफ़र करना है। तो आप जब अल्जेब्रिक से ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली आपको एक्स को ही पुट करना पड़ेगा समथिंग। अब यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है ना, तो वहाँ पर मेरे को साइन थीटा दिख रहा है। अब मेरे माइंड में आ सकता है कि मैं एक्स को यहाँ पर पुट कर दूँ डायरेक्ट साइन ऑफ थीटा, लेकिन यदि मैं एक्स को साइन थीटा पुट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो 1 - x होगा ना, 1 - x, तो मेरे माइंड में आ सकता है कि मैं एक्स को साइन थीटा पुट कर दूँ। लेकिन जैसे मैं इसको पुट करूंगा, तो जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा ना, तो 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा का कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। आप उसको जैसे कि आपको यहाँ पर cos थीटा चाहिए, अब आप 1 - sin थीटा को cos थीटा में कैसे चेंज करोगे, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी। तो इसको हम यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास m की पावर 1 है ना, जैसे m का ऑप्शन 1 है, लेकिन इस तरफ आपको m का ऑप्शन 2m दिख रहा है, 2m, तो वहाँ से भी कुछ हो सकता है कि हमें पावर के साथ भी जैसे 2 मल्टीप्लाई करना हो सकता है। तो एक तो हिंट ये रहेगा कि हम x को एक ऐसा नंबर पुट करेंगे कि हमारा साइन थीटा भी बने और 1 - x का आपके पास यहाँ से कॉस थीटा भी बनना चाहिए। तो मेरे को पता है कि जो 1 - sin² का थीटा होता है वो कॉस का थीटा, तो वहीं से हिंट आप ले सकते हो कि यार हमारे पास जो साइन स्केयर होता है ना, तो ये मैं यहाँ पर x को साइन का थीटा पुट कर देता हूँ, तो 1 - जैसे मैं x करूँगा या फिर करूँगी, तो 1 - जो मेरे पास साइन स्केयर थीटा होगा वो अपने आप हमारे पास कॉस स्केयर थीटा में चेंज हो जाएगा। तो जहाँ से एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात रहेगी, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब खाली आपको x को पुट नहीं करना, आपको साथ में इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी और आपको इसको यहाँ पर से dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन बिकॉज आप जब x को ट्रांसफर कर रहे हो थीटा के अंदर, तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर भी सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तभी आपका प्रॉपर आंसर यहाँ से निकल पाएगा, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। तो इट इज़ ईजी। तो अभी जो आप प्लस टू के अंदर हम करते थे ना, वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, कि आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 में आता है, साइंस क्या थीटा का पहले पावर रूल 2 आगे आ गया, साइन थीटा हो जाएगा आपके पास, फिर साइन थीटा का करोगे, पहले पावर रूल लगा दिया, पावर आगे और एक कम कर दी, फिर साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और थीटा का आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से यदि हम डी एक्स को इस तरफ लेकर जाते हो, तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 - sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो सर जी ये तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई, बस एक काम आपके पास और बचेगा कि आपको लिमिट्स निकालनी है। तो जब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को पुट कर रहे हैं एक्स, तो हमारे पास जो साइन थीटा रहेगा डियर वो आ जाएगा अंडरूट ऑफ एक्स आ जाएगा। अब आपके पास एक्स की जो रेंज दे रखी है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, एक स्मार के साथ करना, ओरिजिनल के अंदर एक्स आपका 0 से लेकर 1 तक मूव करें, तो हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। हम लिखेंगे कि हमारे पास
जब हमारा एक्स आपके पास जीरो था तो साइन थीटा कितना हो सकता है? तो साइन थीटा यहाँ पर आपका जीरो का अंडर रूट जीरो हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि थीटा मतलब साइन किस एंगल पर जीरो होता है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, तो थीटा को जीरो होना पड़ेगा बिकॉज साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। और नंबर टू, जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 आएगी तो हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? तो यदि आपका साइन थीटा की वैल्यू 1 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2, तो यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ कि जैसे हमने एक्स को जीरो सोचा तो साइन थीटा जीरो बन रहा है, और साइन थीटा जीरो कब होता है? जब आपका थीटा जीरो होगा। और जब हमारे पास एक्स की अपर वैल्यू 1 आ रही थी तो साइन थीटा 1 बन रहा है, और साइन थीटा 1 कब बनता है? जब साइन के अंदर आप पाई बाय 2 पुट कर दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दो वैल्यूज आपके पास रहेंगी, आपके पास जितने भी पाई और जीरो के मल्टीपल्स हैं वो सभी के ऊपर साइन जीरो बनेगा, और जितने ऑड मल्टीपल्स हैं वहाँ पर 1 और -1 बनेगा। लेकिन हम हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एक्स की मूव आपका 0 से लेकर 1 थी, तो कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ से साइन को भी पॉजिटिव रख रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ एक इंटरवल उठा सकते हो पहले वाली प्रिंसिपल के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रॉपर सारा का सारा चेंज हो गया। तो अब सारी वैल्यूज हमें क्या पर करनी है, एलिस मान के साथ पुट करनी है, सम को खुद से स्टार्ट कर रखें। अब आप क्या करेंगे, हम आई के पास वापस जाएंगे, चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो से लेकर, अब एक्स जीरो था थीटा जीरो आ रहा है, एक्स वन था थीटा पाई बाय टू आ रहा है। नंबर टू, एक्स की वैल्यू हमने साइन स्क्वायर पुट करी है, साइन का थीटा तो ऊपर एम माइनस वन एज इट था, और 1 माइनस यहाँ पर भी x की वैल्यू हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रखी, ऊपर पावर n माइनस 1 है। और जो हमारे पास डी एक्स था वो हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा निकल कर आ रहा था, ऊपर आप एक बार देख लेना। यहाँ से 0 से लेकर पाई बाय 2 का सफर सेम है, तो यहाँ से जो 2 आपका मल्टीपल में है कॉन्स्टेंट, तो उसको आप बाहर लिख सकते हो। आपका यहाँ पर जो साइन की पावर है ना, ये वाली पावर 2, तो इसको पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दो, जो रूल्स होते हैं आपके पास, ठीक है, एक्सपोनेंट के रूल्स, वो अप्लाई कर देना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आपके पास एन माइनस 1 है, तो 2 बाहर जा चुका है, साइन थीटा की पावर यहाँ पर 1 है, कॉस थीटा की पावर यहाँ पर 1 है, इंटू डी थीटा हमारे पास, तो 2 हो जाएगा। 0 से लेकर पाई बाय 2 तक चले जाएंगे, यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यूज निकल रही है वो 2m-2 निकल रही है, ठीक है, यहाँ से आपके पास। और ये जो आपको एक बार इससे भी लिख देते हैं कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की पावर जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2 दिखेगी, साथ में आपको साइन की पावर 1 और कॉस की पावर 1 दिख रही होगी। अब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास साइन का बेस और यहाँ पर साइन का बेस सेम है, तो हमें करना क्या है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक जाना है, यहाँ पर साइन को पकड़ कर रखना है, प्यार से रखना है, और उनके दोनों के दोनों पावर को आपस में प्लस करवा देना है, ठीक। फिर दूसरे टर्म के ऊपर टारगेट करेंगे, जहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा है, दोनों पावर को आपने प्यार से ऐड करवा देना डी थीटा। तो अब ऑब्जर्व करते हैं क्या फाइनल आंसर हमारे पास, जो कि हमने स्टार्टिंग के लिए बीटा ऑफ एम एन से स्टार्ट कर रखा है, 2 आ गया, 0 से लेकर पाई बाय 2 है आपके पास, और यहाँ पर साइन थीटा की पावर हमें मिलने वाली है मार्केट के अंदर से, और ये कम प्राइस पर मिल रही है, कम प्राइस कहते हैं ना कि हमारे पास ये चीज़ें बेटर है और मार्केट प्राइस से कम रेट में आपको मिल जाएगी। तो अभी आप ऑब्जर्व करो अपनी कॉपी के ऊपर कि हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर 2m-1 और कॉस थीटा की पावर 2n-1 होती है थीटा। तो ये भी एक काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन हेल्प करने, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में भी हमारे पास ये हेल्प रहता करती है, ठीक है चीज़ें। तो आज का पहला जो एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है, वो मैंने करवाया, और वहाँ पर मैंने हिंट बता दिया कि आप कैसे एक्स को साइंस का थीटा ले रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें माइंड के अंदर चलनी चाहिए। और दूसरा इससे भी बेटर होने वाला है, और उसके अंदर लॉजिक जो लगेगा वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा आर्टिकल वो कर लेते हैं एक बार। अब जो दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास हम करने जा रहे हैं यहाँ से उसको समझते हैं। अब दूसरे रिजल्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड है ना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बिकॉज तुम इतनी शिद्दत से इस वीडियो को देखने देख रही हो और तुमने इंतजार करा इस लेक्चर का, यार क्या बात है, तुम्हारा एक प्यारा सा कमेंट मैं ऑलवेज वेट करूंगा, और जितना बढ़िया कमेंट रहेगा उतना हमारी पोस्ट सेक्शन के अंदर जाएगा, कम्युनिटी सेक्शन होता है ना यूट्यूब के अंदर, तो जितना मतलब आप इतना बढ़िया कमेंट करते हो ना तो मेरा दिल करता है इसको शेयर करें बाकी स्टूडेंट के साथ भी, बिकॉज आप ही स्टूडेंट हो जो हमारी रियल वेल्थ होती है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना, हम यहाँ से थोड़ा सा उल्टा चलेगा, इसके अंदर आपको एक इंटीग्रल दिया जाएगा, आपको उस इंटीग्रल को बीटा के अंदर चेंज करना है, हमें एक इंटीग्रल दिया जाएगा और हमें उस इंटीग्रल को बीटा के अंदर चेंज करना, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, और अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है हमारे लिए। तो जहाँ से अब बोल रहा है कि 0 से लेकर पाई बाय 2 यदि आपके पास साइन पी थीटा और कॉस क्यू थीटा होता है तो वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ बीटा पी प्लस 1/2 और क्यू प्लस 1/2, जस्ट इसको यहाँ से आइडिया ले लिया। तो प्रूव करना एक बार, जो भी प्रूव करना हम यहाँ पर टारगेट सेट कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसे इंटीग्रल आ जाए 0 से लेकर पाई बाय 2
और साइन की पावर पी थीटा है, और साथ में हमारे पास क्यू की पावर सॉरी कॉस की पावर क्यू थीटा है, तो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ से बीटा पी प्लस वन ओवर टू होता है कॉमा क्यू प्लस वन ओवर टू होता है, जो हमने बीटा के अंदर जाना। अब थोड़ी चीजें समझिए, हम जहां पर प्रूव करना चाहते हैं तो हमें पता कि जो बीटा ऑफ एम एन एक्चुअल के अंदर होता है वो जीरो से लेकर वन की तरफ होता है, और वहां पर कुछ एक्स टाइप होता है एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स होता है। इसका मीनिंग हमारा सफर जहां से यहां तक का रहेगा, ठीक है, ये चीज रहेगी। अब यहां से यहां तक चलोगे तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को रिप्लेस करना है खाली एक्स और एक्स के साथ। तो पहला चैलेंज ये रहेगा कि आप यदि साइन थीटा को एक्सपुट कर रहे हो तो फिर आप कॉस थीटा को कैसे चेंज कर पाओगे। मेरा पहला स्टेप ये रहेगा कि यदि हम साइन थीटा को एक्स रिप्लेस कर भी देते हैं ना, तो हमारा दूसरा चैलेंज ये रहेगा, लाइक आप यदि इस तरफ मैं कर देता हूँ, लाइक आप यदि बीटा पी एम की, हाँ कोई बात नहीं, पावर्स को मत देखना, पावर हमारा पी और क्यू हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है, यदि हम पी और क्यू में चाहते हैं। तो यहाँ से मेन फोकस आपको इस पॉइंट के ऊपर करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए। तो हमारे पास साइन थीटा को जैसे आप एक्स सोच रहे हो लेकिन फिर आप कॉस थीटा को कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। हमें खाली एक चीज पुट करनी है लेकिन हमारा आंसर ये दोनों के दोनों चेंज होने चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के दोनों चेंज होने चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सम को बनाना पड़ेगा। अब बनाना पड़ेगा वो चीज, अब जब करेंगे अब इतना मुश्किल नहीं लगेगा कि सर ये पहला स्टेप क्यों करा, वो अब मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। सर जी स्क्वायर तो है नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बातें कर लेते ना, अभी एक मीठी गोली दे देते हैं साइन को, हम यहाँ पर साइन का स्क्वायर करवा देते हैं। अरे सर जी कैसे कर दिया, ना ना ऊपर पावर को हाफ करवा दो, अब पावर मल्टीप्लाई होगा तो रहेगी तो पी पी, अब देखने वाले दांत और हैं, खाने वाले कुछ और हैं, वो हमने यहाँ पर करवा दिया। और ऐसे हम कॉस को बेचारे को भी करेंगे, इसके अंदर भी स्क्वायर लगा दिया, पहले तो ये खुश होगा लेकिन बाद में पावर में इसे कट कर दिया। अभी आपको कोई बोले कि मैंने आपको बाई हैंड है ना, आपको बाई हैंड मैंने 1000 रुपीज़ दे दिया, लेकिन साथ में आपका ऑनलाइन जो आपकी पेमेंट है ना गूगल पे, वहां से मैंने आपका निकाल लिया, आपके बैंक के अंदर से निकाल लिया, लेकिन सामने लोगों के चार लोगों के आगे फड़ा दिए, और चार लोगों के आगे तो हम बड़े बंदे बन गए, ठीक है, या जी इसको मतलब आपको कुछ पैसा दिया है लेकिन पर्दे के पीछे से हमने आपसे वही पैसा वापस ले लिया, या फिर आपने हमें पकड़ाया था हमने आपको पकड़वा दिया, तो उससे हमारी थोड़ी सी वो कहते हैं स्टेटस बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, हम स्केयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर को हाफ भी करवा रहे हैं और पावर को डबल भी कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया। इसके बाद आप टारगेट करो कि अब हम इस कॉस का थीटा को भी चेंज कर सकते हैं इंटू साइंस का थीटा, तो आपका वही स्टेप चलेगा जीरो से लेकर पाई बाय टू। बड़े मजा जब आप बातें करते हो खुद से और पढ़ते टाइम, अरे ऐसा क्यों करा होगा जी, ऐसे क्यों होगा, तो खुद से कुछ कहानी बनाना, तो कॉस का थीटा हमारे पास वन माइनस साइंस का थीटा हो जाएगा, और जब आप खुद से कहानी बनाओगे तो वो नहीं होगी। अब एक चीज़ लग रही है कि यार हाँ अब हो सकती है पॉसिबिलिटी, अब हम यहाँ पर साइंस स्क्वायर थीटा को ही पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमें खाली एक्स चाहिए तो हम स्क्वायर को साथ में उड़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि खाली खाली आपको यहाँ पर इसको पुट करना, नहीं अब हम पुट करेंगे प्रॉपर पूरे को। हम पुट कर लेते हैं हमारा जो साइंस स्क्वायर थीटा है उसको हम प्रॉपर एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये कर दिया। अब जैसे आपने पुट, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू साइंस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साथ में हमें जे वाला भी चाहिए, डी थीटा को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू वो अनरूट ऑफ एक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आपको भी किसके करना है, आपको एक्स के करना है, ठीक है, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हो ना, थीटा कर दीजिएगा जैसे आपको करना है, आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो या फिर विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, बिकॉज हमें डी थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप डी थीटा ओवर डी एक्स हमें हमारे पास आ जाएगा, तो वहां से वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो चाहे एक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम थीटा के साथ करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा ना, ठीक है, और जैसे आप इसका करोगे ना अनरूट ऑफ एक्स का, यहाँ से थोड़ा समझना, जैसे आप अनरूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास पावर रूल है ना, तो हमें मैं सिखाता हूँ कि पावर आपके नीचे चली जाएगी और साथ में नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं बच्चों को ऑलवेज सिखाता हूँ कि जिनको लगता है कि ये अनरूट आपके पास आ जाता है ना अनरूट, यहाँ से एक मैंने फॉर्मूले बनाकर रखा हुआ, आप करके देख भी लेना कि जब भी आपको कुछ ऐसा मिले कि अनरूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगी, तो आपका 1/2 आगे आ गया, और 1/2 के अंदर से जैसे वो 1 निकालेंगे वो माइनस का निकलेगा, तो वो नीचे आकर आपका प्लस का ही हो जाएगा। तो और साथ में आप एफ का डेरिवेटिव अलग से कर देना जी वाला, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला ही बन जाता है कि जब भी अनरूट आए तो 1/2 अनरूट ऑफ एफ एक्स, फिर एफ एक्स का साथ में चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कर देंगे, तो रूट ऑफ एक्स का हमारे पास क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और साथ में एक्स का डी एक्स ओवर डी थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास है, लेकिन हमें तो डी थीटा नहीं चाहिए, तो डी थीटा हम इस तरफ सेंड कर देते हैं, और कॉस थीटा को भाई साहब को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये हो गया। अब कॉस थीटा नीचे आ गया, लेकिन हमें तो कॉस थीटा चाहिए नहीं ना, हमें तो प्रॉपर सारे का सारा एक्स में चाहिए, और यहाँ पर आपका डी एक्स भी दिख रहा,
अब हमारे पास एक्चुअल के अंदर कॉस थीटा होता क्या, कॉस थीटा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है उस साइन स्क्वायर को तो हमने एक्सपोर्ट करा, तो हमारा कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स ही निकालनी है, तो खाली आपको डी थीटा रखना है, यहाँ पर 1/2 है रूट एक्स, और कॉस की वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस एक्स, साथ में डी एक्स आ गया। तो ये चीज़ें तो हो चुकी है, डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट के लिए हम यहाँ से काम कर लेते हैं कि एक्स आपका साइन स्क्वायर थीटा था, एक्स हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा था, तो जैसे हमारा थीटा जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू साइन जीरो की पावर टू, तो वो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा तो जीरो ही हो जाएगी। और जैसे हम लिखेंगे कि थीटा हमारा पाई बाय टू है, तो एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय टू, इसका स्क्वायर कर देना जो कि वन का स्क्वायर आ जाएगा, आपका वन ही निकल कर आएगा। तो एक्स की रेंज जीरो से लेकर आपको वन देखने में मिलेगी, ठीक है। तो जैसे एक्स की रेंज ये मिलेगी, तो हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो जहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसको, तो जैसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जीरो से लेकर वन तक चला गया। सारे स्टेप ध्यान से देखो, और जिस तरफ आपको साइंस स्क्वायर दिख रहा है इसको हम पुट कर देंगे टी, साइंस स्क्वायर को पुट कर देंगे टी, और डी थीटा की वैल्यू साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। और डी थीटा की वैल्यू आपके सामने है, तो साइंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स, सॉरी ऊपर पावर हमारे पास पी है, फिर वन माइनस साइंस स्क्वायर था वहाँ पर भी एक्स आएगा, पावर ऊपर क्यू है, और ये जो डी थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1/2 रूट ऑफ एक्स मिलेगा आपको, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मिलेगा इंटू डी ऑफ एक्स है। यहाँ से मैं डी स्टूडेंट, ये 1/2 कॉन्स्टेंट जी हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है जी, जीरो से लेकर 1 आ जाएगा, एक्स की पावर पी है आपके पास, और ध्यान से देखो ना ये नीचे भी तो एक्स की पावर है ना आपके पास, ये वाला कोई बात नहीं मैं दिखाता हूँ। तो जो नीचे आपके पास एक्स की पावर है ना ये वाला, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ एक्स की पावर 1/2, और ऊपर मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर क्यू है, और नीचे भी हमारे पास है 1 माइनस एक्स की पावर आपका 1/2, और साथ में डी एक्स है, तो बेस सेम है, पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी बिकॉज ये डिवीजन के अंदर आ रही है ना। जब आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर ऐड होते हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है आपके लोअर क्लासेस के, मेरे को इतनी तो आस है कि मेरे से बेटर आप इनको कर सकते हो, तो आपका यहाँ पर एक्स की पावर आ जाएगी पी माइनस 1/2, और यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर कंबाइन करेंगे तो क्यू माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब थोड़े समय के लिए आप इस 1/2 को भूल जाइएगा, भूल गए सर जी, क्या आप इसको उसके अंदर नहीं लिख सकते, किसके अंदर सर जी, समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ, ठीक है एक मिनट देना मेरे को। हमें पता है कि जब हम लिखते हैं ना हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो से लेकर 1 होती है, जैसे एक्स की पावर एम माइनस 1 है, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स है, तो हम इसको लिखते हैं बीटा ऑफ एम कॉमा एन। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि यहाँ पर एम माइनस 1 था, तो एक्चुअल के अंदर जब आप यहाँ पर लेकर जाओगे तो आपको इसके अंदर प्लस 1 करना पड़ेगा, है ना, तभी ये कैंसिल हुआ। तो ऐसे एन वाले के इसके अंदर भी आपको यहाँ से प्लस करके आप लिखोगे, तो अरे वाह ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन तो बन गया ना जीरो से लेकर 1 वाला, और x भी है हमारे पास 1 माइनस एक्स भी है, डी एक्स भी है, तो खाली पावर्स को ऐड ही करना प्लस 1, तो हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, चीज़ों को समझिएगा। x है 1 माइनस एक्स है, तो जैसे होगा तो हम इसको बीटा के अंदर लेकर जाएंगे, और जितनी पावर आपको यहाँ पर दिख रही है ना पी माइनस 1/2, आप इसके अंदर खाली प्लस 1 कर देना, कर दिया सर जी, ठीक है जी। और नंबर 2 जो आपके पास यहाँ पर पावर दिख रही है आपको, और कॉमन लगाकर q माइनस 1/2, इसके अंदर भी आप प्लस 1 कर देना, तो हमारे पास ये हो गया बीटा ऑफ एम एन, ठीक है। और एक चीज ध्यान से देखना, हम थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं कर गए यहाँ पर, ये आपका ना एक्चुअल के अंदर यहाँ पर पावर p बाय 2 थी और q बाय 2 थी, सॉरी उसके लिए आप लोगों ने पकड़ तो लिया होगा कि सर जी आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपके पास 1/2 था 1/2, और शुक्रिया भगवान का कि हमें हम चलते क्वेश्चन के अंदर बता चलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक जो होती है ना वो स्क्रीन के ऊपर जब हम ऊपर नीचे करते हैं, कॉपी के ऊपर तो चीज़ें दिखती रहती है ना स्क्रीन के अंदर, एक तो मेरी थोड़ी आई साइट आपको पता है कि चश्मा लगा हुआ है, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर पाती है ना, तो लेकिन फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये चश्मे के कारण थोड़ा सा हो जाता है स्क्रीन, आपको तो कॉपी पर सारा कुछ दिखेगा जब आप करते हो, जब बोर्ड के ऊपर करते हो, लेकिन यहाँ पर हमें बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, और मैं ट्राई करता हूँ कि यार बुक से दूर रहूँ, ठीक है। जब बुक से दूर रहते हैं तो फिर चीज़ें अपने आप करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आप लोग भी तो एग्जाम के अंदर खुद से करेंगे ना, मैं यहाँ पर बुक सामने खोलकर सारे जो स्टेप है वो चिपका दूँ और आपको बोलूँगी नहीं यार ऐसे ही करो वैसे करो, अरे तो कॉपी करो ना खुद से, यदि मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट कहाँ से कर पाएंगे, यदि टीचर ही इंटेलिजेंट नहीं होगा तो स्टूडेंट को क्या सिखा पाएगा, तो टीचर को भी खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा लाइव जाकर, ठीक है। अब लाइव जो रिकॉर्डिंग होती है तो मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि यार यहाँ पर खुद से करूँ, खुद से कैलकुलेशन करूँ, मिस्टेक होगी मेरे से तो ठीक है, आप लोगों से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर मिस्टेक हो सकती है, वो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा अवेयर कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर आके ना पता कैसे चला कि मैंने कुछ रॉन्ग करा, मैं वो भी बता देता हूँ, इट्स ओके।
हाँ वो भी बता देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को पता कैसे लगे यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। पता है एक्चुअल के अंदर जो प्रूव करना था वो मेरे माइंड में होता है, ये देखना ध्यान से। मैं मिस्टेक बताता हूँ, जहाँ से 1/2 है और इधर आपके पास है ना जो जो पी है। अब जैसे 1 के अंदर से आप हाफ निकालोगे, तो 1 के अंदर से हाफ निकालोगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, ये आपके पास क्यू है। और यहाँ से भी 1 के अंदर से आप हाफ निकालोगे तो आपका प्लस 1/2 आ जाएगा। हमें पता है कि 1 - 1/2 जैसे आप एलसीएम लोगे तो 2 - 1/2 आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1 मिनट रुकना राजी। हेलो तो हेलो स्टूडेंट, तो अभी हमें क्या करना है, तो मेरे को पता चला मिस्टेक ऐसे। तो अब आंसर मारा जी वाला आ रहा है, लेकिन हमें फाइनल आंसर के अंदर था क्या चाहिए, हमें जो प्रूफ करना था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मेरे माइंड के अंदर ही है। हमें जो प्रूफ करना था, हमें यहाँ पर पी प्लस 1/2 चाहिए ना, हमें पी प्लस 1/2 चाहिए, लेकिन मेरे पास जो आ रहा है वो कुछ और चीज़ आ रही। यदि मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ फिर मेरा यहाँ पर डबल हो जाएगा, तो वहीं से मेरे को आइडिया हो गया कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी। तो वो मिस्टेक आपको अपनी पता होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ तक आया तो मेरे को आइडिया हो गया कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, वो हाफ वहाँ पर चल गया, तो इसलिए मैंने ऊपर रीचेक करा तो वो पॉइंट जो हाफ था हमने भूल गए थे। तो वो हाफ आपका यहाँ पर साथ में लगेगा और नीचे आते हुए यहाँ पर आपको हाफ लगेगा। ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, ठीक है। अभी हमारे स्टूडेंट आ चुके ट्यूशन वाले, तो मेरे पास टाइम काफ़ी कम था लेकिन मैं गैप नहीं करना चाहता था। तो ये हमारे पास राजी, जैसे आप एल्सम लेंगे तो आपका फाइनल हो जाएगा और एक प्यार सी स्माइल के साथ हम इस लेक्चर को ओवर कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था और हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, ये यहाँ पर कुछ इशू चल रहे हैं आजकल हेडेक के, ठीक है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो उसके चलते पहले मन था कि नहीं बनाना नहीं आज कुछ भी ना, आज इसको छोड़ देते, लेकिन फिर याद है कि आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, टाइम तो पहले से कम है और हम लोग लेजी बन रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं लेजी बन जाऊंगा तो मेरे स्टूडेंट का क्या होगा। आप लोग एक्सपेक्ट करते हो, आपकी आस है हमारे से ना, आप होप करते हो कि सर आप बढ़िया करा रहे हो। और जब बच्चे को आस होती है कि यार सर हमें करवा रहे यूट्यूब के ऊपर, तो वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। और यदि वहीं पर मैं यहाँ से डिसअपेयर हो जाता हूँ, हाई टू अपने आप को लुको देता हूँ, तो कितने मन दुखी हो सकते हो। तो यार वो किसी का मन दुखी नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर। ऑलवेज ट्राई कि आप खुद से खुश रहो और दूसरों को खुशियाँ बांटें। हो सकता है कि दूसरों को खुश रखे, अपनी खुशी के बारे में मत सोचना, वो भगवान है ना ऊपर, वो सब कुछ देखता है। आप खुशियाँ बांटेंगे तो आपके पास कहीं खुशियाँ बांटने के लिए कम ना हो जाए, इसलिए वो आपको और खुशियाँ देगा, समझ रहे हो ना। आप कुछ बांटना स्टार्ट कर देते हो और आप भगवान का नाम लेकर करते हो, तो वो चीज़ वो अपनी लाज रखेगा, वो रहेगा कि यदि लोगों को बांट रहा हूँ ना, इसके पास बांटने में कमी ना आ जाए, वो आपको और देगा और देगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करनी लाइफ के अंदर। तो उठे और उठकर बैठ गए और साफ में ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चा पार्टी ने शोर उठा लिया, तो लेकिन हमने थोड़ा सा डांट दिया उनको प्यार से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, लेक्चर काफ़ी आपको बढ़िया लगा, प्यारा सा खूबसूरत सा एक पैराग्राफ आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, हमारी तारीफ के अंदर नहीं, मतलब भगवान की तारीफ के लिए आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आपका पोस्ट के अंदर शेयर कर लेंगे, जो भी बेटर रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर, हाँ शेयर कर देना यार, आप लोग यदि शेयर करेंगे तभी तो चैनल ग्रो होगा ना। आप चाहते हैं कि सर हम आपके लिए, हम आपको मतलब रिस्पेक्ट करते हो, हम ये करते हो, तो आप लोग दिल से यदि करते हो ना वाक्य में, तो आप ये बोल दीजिए कि मैं किसको शेयर कर रहा हूँ, है ना। लाइक आपकी पूरी क्लासमेट है यार, वो किस ग्रुप से है, उस ग्रुप से है या उस ग्रुप से नहीं है। और प्लीज़ चीज़ें नॉलेज है, नॉलेज को आप लोग नहीं शेयर करोगे तो फिर कौन करेगा ना। और आप तो मेरे प्यारे और बेस्ट हो, और मेरे को आपके ऊपर तो आस है यार, आप लोग करोगे, लेकिन यदि आप ही नहीं करोगे फिर थोड़ा सा यहाँ पर दुख होगा, तो आप उस पेन को समझना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैन, मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, टेक केयर।